हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी गाइस, तो आज के इस व्लॉग में आई एम गोइंग टू शो यू माय फर्स्ट एवर अटेम्प्ट ओवर एक्टिविटी। जी गाइस, इसके लिए मैंने सबसे पहले डिफरेंट कलर्स के कुछ क्लेज लिए, जिसको हम चाइना मिट्टी भी कहते हैं या चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। जी गाइस, मैंने डिफरेंट कलर्स के क्लेज लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, उनको कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद मैंने हर दो और तीन कलर से एक यूनिक सा कलर बनाया एंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस, ये एक्टिविटी बहुत रिलैक्सिंग थी और बहुत मज़ा आया इस एक्टिविटी को करने में। काफ़ी टाइम लग गया ये एक्टिविटी करने में, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ सो रिलैक्सिंग, सो माइंड फ्रेशिंग। आप सब भी ये घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी और सिंपल सी है। देखिए, मैंने यहाँ पे पिंक और ब्लू का कंबाइन किया और उसके ऊपर कुछ पर्पल डाला। ये कितना प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन गया। गाइस, इसको आप एज अ डेकोरेशन पीस भी रख सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में या फिर अपने रूम में। इसी तरह का आप लोग भी फैंसी सा गिलास लेकर उसमें ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और एक नहीं तीन चार बनाकर आप ऐसे सेट बना सकते हैं। और इसके लिए एक ये भी ऑप्शन है कि आप इस तरह की एक्टिविटी करके एक बीच में यूनिक सा कोई भी खूबसूरत सा कैंडल फिक्स कर सकते हैं, तो वो भी आपके ड्राइंग रूम को या फिर आपके रूम को काफ़ी गुड लुक बना सकता है। गाइस, ये वाला मेरा सबसे फेवरेट बना था कॉम्बिनेशन, और इसका आइडिया मैंने नेट से ही लिया था ASMR का, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। मैं अपने घरों में
और गाइस इस एक्टिविटी के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्लॉग को शुरू से लेके एंड तक लास्ट में देखा करें और कमेंट में लाजमी अपनी ओपिनियन दिया करें कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए। ऑलमोस्ट 60-70% ऐसी आवाम हैं जो मेरी व्लॉग्स को मेरी वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए देखती है, तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी सब्सक्राइब करने से किसी को कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपने आपके पैसे लगते हैं, सिर्फ आपके एक क्लिक से अगले को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी खुशी मिल जाती है। तो ट्रस्ट मी, किसी को भी सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, ना आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे चैनल पे छुप छुप के आकर देख के व्लॉग्स और वीडियोस देखने से अच्छा है आप सब्सक्राइब भी कर दें, किसी का भला ही हो जाएगा। गाइस आप सब भी कहते होंगे कि मैं हर व्लॉग में वॉइस ओवर क्यों करती हूँ, तो मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग्स रिकॉर्ड करने का, प्रॉपर व्लॉग्स रिकॉर्ड करने का। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर रही हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ अपने व्लॉग्स में, तो आहिस्ता व्लॉग्स रिकॉर्ड करने का तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर रही हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ अपने व्लॉग्स में तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये चीज़ें ठीक हो जाएगी कि प्रॉपर व्लॉग कर सकूँ मैं अपनी ही वॉइस में, वीडियो अपनी ही वॉइस में, वीडियो के दौरान ही वॉइस भी साथ में यूज़ किया करूँ बजाय इसके कि मैं वॉइस ओवर करूँ। गाइस एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि आगे आगे क्या बातें करें, वॉइस ओवर के काफ़ी फ़ायदे हैं, इसमें आप रिलैक्स आराम से बैठ के सोच के बोल सकते हो, और वैसे अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी बातें करनी पड़ती हैं, जो कि मुझसे नहीं होता इतनी जल्दी जल्दी बातें करना। तो फिलहाल के लिए मैं वॉइस ओवर में ज़्यादा रिलैक्स हूँ और मुझे वॉइस ओवर करना ज़्यादा आसान लगता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा कलर्स को यूज़ किया है, तो आप सब भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी इट्स वेरी रिलैक्सिंग। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।